एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टेक फॉर यू में। आज हम फिर एक और वीडियो लेकर के आए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सेल्स से रिलेटेड और भी ऑनलाइन सेवाओं से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीमेल की। तो जीमेल में आप लोग एक साथ में सभी मेल किस तरह से डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, पूछा था कि जीमेल में मेल हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, सभी मेल को एक साथ में कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो मेरा वीडियो ना देखें, अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जो अपने जीमेल पर आ गए हैं, तो हम यहाँ से दूसरा अपना जीमेल खोल लेते हैं। हाँ, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से डिलीट करना है। तो जैसा कि इस मेल देख रहे हैं आप, इन मेल को हमने खोल के नहीं देखा है, क्योंकि ये केवल ऐड वाले मेल होते हैं, इनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि ये ऐड वाले मेल हैं। और कुछ मेल जैसे ज़रूरत के होते हैं उन्हें हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमें इन मेल को डिलीट करना है तो हम किस तरह से इन मेल को डिलीट कर सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपको यहाँ से जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरेड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अनरेड पर आप क्लिक करेंगे, ये सब मेल जितने भी ऐसे हैं जिन्हें आपने खोल के नहीं देखा है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा ये डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट हो गए, अब आप देख सकते हैं ये जो हमने खोल कर देख चुके हैं मेल, इन्हें कैसे डिलीट करना है, तो इन्हें भी आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर रेड केबल लिखा है, रेड पर अगर क्लिक करोगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, टोटल ऑल सिलेक्ट होने के बाद आप डिलीट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।